फीचर फोन्स में टॉप पोजीशन अचीव करने के बाद अब आईटेल ने एंटर किया है अफोर्डेबल टैबलेट्स के फील्ड में और उन्होंने अपना पहला आईटेल पैड 1 लॉन्च किया है जिसका प्राइस करीब 13,000 रुपए के अराउंड आपको देखने को मिलता है। 13,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर यहाँ आपको 10.1 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 4GB की रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज, 4G की कनेक्टिविटी, 4G का आप सिम यहाँ पर लगा पाएंगे, 4G वोल्टी का सपोर्ट है यहाँ पर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स एंड 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में करेंगे आईटेल पैड 1 की अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू, देखेंगे कि किस टाइप का यहाँ पर टैब आईटेल ने लॉन्च किया है और क्या 13,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर आईटेल पैड 1 आपको बाय करना चाहिए नहीं, बट सब कुछ जानने के लिए वॉच द वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, दिस इज रचना, वेलकम टू माय चैनल टेक शार। सो बॉक्स कुछ इस टाइप का आपको बड़ा बॉक्स देखने को मिलता है, तो सबसे ऊपर आपको एक छोटा बॉक्स व्हाइट कलर का देखने को मिलता है जिसमें आपको एक सिलिकॉन कवर देखने को मिलता है, पीछे सिम इजेक्टर पिन दिया गया है, पिन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है, साथ ही में आपको मिलता है 1 ईयर वारंटी कार्ड। इसके नीचे आपको टैबलेट देखने को मिल जाता है एंड आपको 10 वॉट का यहाँ पर चार्जर देखने को मिलता है, साथ ही में USB टाइप सी केबल देखने को मिलता है। यहाँ पर टैब जो है काफी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है देखने में और ज्यादा हैवी भी नहीं लग रहा है इसका वेट, और जो इसकी बॉडी है पूरी तरीके से मेटालिक बॉडी है यहाँ पर। लेट्स चेक द स्पीकर क्वालिटी, क्योंकि इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। So I am happy with the sound it has, क्योंकि काफी loud है और इसमें आपको 10.1 inches का एक HD plus IPS LCD display देखने को मिलता है। जिस हिसाब से इसका price point है उस हिसाब से इसका जो display है काफी अच्छा है, काफी clear display यहाँ आपको देखने को मिलता है and जो viewing angles है वो भी काफी अच्छे हैं, colors भी vibrant है यहाँ पर। इसमें आपको 4GB की RAM और 128GB का internal storage देखने को मिलता है और जो इसका सिम ट्रे, इसमें आप 4G का सिम यूज कर पाएंगे और साथ ही में जो इसकी स्टोरेज है उसको आप 512GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर स्टोरेज की कोई भी टेंशन नहीं है। वहीं बात करें अगर इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का है और वो भी 80 डिग्री तक वाइड एंगल इसके अंदर दिया गया है, यानी कि जो अगर आप कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया ये कवर कर लेता है। सेल्फी कैमरा ही क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है टैब का, इसीलिए सेल्फी कैमरा इज़ ऑलवेज बेटर इन केस ऑफ टैब्स। सो ये कुछ इमेजेस मैंने इससे क्लिक किए हैं एंड काफ़ी अच्छी इमेजेस आई हैं एंड साथ ही में मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो इससे की है काफ़ी अच्छी, इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी क्लियर है। जो मेन पर्पस होते हैं टैब के कि उसका डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए एंड उसका फ्रंट कैमरा अच्छा होना चाहिए, वो दोनों ही चीज़ें इस टैब में मुझे देखने को मिली। बाकी इसमें आपको 4G नेटवर्क देखने को मिलता है, 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि क्रिस्टल क्लियर आप इससे कॉल्स भी प्लेस कर पाएंगे। इसके अंदर एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और जो इसके अंदर UI है इसका वो एंड्रॉयड 12 का गो वर्जन आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और क्योंकि और एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना भी जो है काफ़ी फास्ट है। बाकी बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की एक स्ट्रॉन्ग बैटरी देखने को मिलती है और जो इसकी बैटरी है करीब 1 दिन पूरा लास्ट कर सकती है अगर आप इसको फुल यूज कर रहे हैं। बाकी प्राइसिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 13,000 रुपए के अराउंड ये टैब आपको देखने को मिलता है एंड जो सबसे अच्छी चीज इसमें लगी कि इसके अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो काफी अच्छा लगा मुझे, तो मेरे हिसाब से वीडियो कॉलिंग के लिए, आपकी बेसिक नीड्स के लिए, कोई भी आप एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको लेना चाहते हैं या फिर वीडियो कॉल करने के लिए लेना चाहते हैं, कोई आपकी जूम पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो इस पर आप कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है 13,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर। और काफ़ी सारे टैब्स ऑल्दो अवेलेबल हैं मार्केट में, बट मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग हेड टू हेड कॉम्पिटिशन देने के लिए आईटेल ने इसे लॉन्च किया है, तो देखते हैं कि कितनी सफलता मिलती है, बट मेरे हिसाब से 13,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर एक अच्छा टैबलेट है स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफिस गोअर्स के लिए। तो ये था मेरा रिव्यू आईटेल पैड 1 के बारे में।
आपको आइडल पैड 1 कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।